तो अभी इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। अच्छा लग रहा है ना? कौन? हम किसी साथ? अरे बाप, इनको तो अपने की पड़ी है। वो कहाँ गए थे? पुलिसिन लाने गए थे। ये देखो, ये पूरा भीग गई। भीग गए ना जी आप? देख रहे हो दोस्तों, बारिश में क्या क्या करना पड़ रहा है। अब हम लोग का बैग सुरक्षित हो गया ना, अब थोड़ा टेंशन खत्म हुआ। ये देखो हाल कैसा हो गया, सिंदूर ऊपर से यहाँ तक आ गया जी आपका सिंदूर। हेलो दोस्तों, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। 9 बज रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि दोपहर हो गया, इतना ज़्यादा धूप और इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है। दोस्तों हम आए थे छत पर ये सब कपड़ा पसारने, और देखिए दोस्तों हम पूरा गर्मी से एकदम भीगे हुए हैं। रेडी हो गए ना, तो मेकअप भी कर चुके हैं, सब मेकअप धुल गया मेरा गर्मी की वजह से। और मुझे मेकअप नहीं करने आता, फिर भी सीख रहे हैं मेकअप करना, क्योंकि लड़कियों का फैशन है मेकअप करना इसीलिए। और मुझे मेकअप पसंद नहीं है, लेकिन हम नई नई अभी दुल्हन हैं तो ये सब करना पड़ रहा है। लिपस्टिक लगाना, पाउडर, पता नहीं क्या क्या, फेस पाउडर, मुझे नाम भी नहीं पता क्या क्या लगाते हैं, बट फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। क्या करें दोस्तों, करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो आप लोग कमेंट करेंगे कि मुकेश भाई की वाइफ मेकअप नहीं करती वगैरह वगैरह। और वो देखिए दोस्तों, नहा कर आ गए, इतना टाइम लगता है इन्हें नहाने में, 2 घंटे से गए थे नहाने। दोस्तों अभी हम और इनके चल रहे हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, अभी ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आप लोग की जगह पर तो बोलोगे हाँ ये चीज खरीदना जरूरी था, आप लोग सच्ची में यही बात बोलोगे। अभी हम लोग मार्केट चल रहे हैं और मार्केट लगभग 5 किलोमीटर दूर होगा, और घर से हम लोग लगभग 1-2 किलोमीटर आ भी चुके हैं। अभी गुफा आएगा, गुफा में जाएंगे, गुफा से होकर फिर गुफा। तो हम लोग आए हैं दोस्तों शीशा वाला दुकान पर, और आप सभी को पता होगा कि ससुराल में एक शीशा है जो कि फूटा हुआ है, और फूटा हुआ शीशा अच्छा नहीं लगता है ना, तो अभी आए यहाँ से उसी साइज का एक शीशा लेने। शीशा चाहिए था, अच्छा नॉर्मल 1/2 का शीशा है भी है। चलो भैया दाम हम पूछते हैं इसका, कितने का है? 250 ले लीजिए यार, सामान बढ़िया है आपका, लेकिन थोड़ा दाम भी बढ़िया कर दीजिए तो ले लें हम लोग 250 में। 270 मतलब 250 नहीं कीजिएगा? चलिए ठीक है, ले लेते हैं। पैकिंग वगैरह हो चुका है दोस्तों, बढ़िया है ना एकदम? बढ़िया है एकदम, सासू माँ को तो पसंद आ जाएगा ना? हाँ सबको पसंद आएगा। अब हम लोग चल रहे हैं घर वापस। इतना बड़ा सिगरेट वाह, बड़ा सा सिगरेट है वो। लोग घर आ चुके दोस्तों, अब चले रिंकी दिखाने सबको। और ये रहा दोस्तों ये वाला शीशा, तो अभी इसको चेंज करने का वक्त आ चुका है। क्यों? इसको निकाल दीजिए, हम बनाए तो क्यों निकालेंगे? निकालिए ना उसको, अभी पता चलेगा आपको क्यों निकालना उसको। ये खोलिए, अभी ये खोलिए, मम्मी जी खोलो, खोलो इसको, अभी पता चलेगा क्यों निकालना है उसको। वो हम लोग कई बार देख चुके हैं, रहने दो, उद्घाटन हो चुका है। कैसा मम्मी? अच्छा है ना? गठिया टूट जाए जरूर। तो ये सेट हो चुका है दोस्तों, अभी देखो उसमें, देखो अच्छा लग रहा है ना? कौन? हम किसी साथ? अरे बाप, इनको तो अपने की पड़ी है। वाह रे वाह, मानना पड़ेगा। शीशा में देखो, शीशा की बात कर रहे हैं, दोनों दिख रही हूँ, शीशा में भी दिख रही हूँ, मोबाइल में भी दिख रही हो। जा रहे हैं घर दीदी और जीरा। चल रहे हैं तब, प्रणाम भाव जी, प्रणाम मम्मी, चल रहे हैं ठीक है। दीदी और जीजा चले गए। अब
भी हम लोग निकल रहे हैं ना इस बीच में कहीं ना, बारिश होने लग रहा है। घर से निकले तो बिल्कुल मौसम साफ था, अभी एकदम बारिश होने लगा। ये देखो ये पूरा भीग गई, भीग गए ना जी आप, पूरा एकदम हालत ख़राब। चाय वाला टपरी जो है ना वहाँ पर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। हम लोग चाय पीने जा रहे हैं इतने बारिश में, बाप रे पूरा भीग गए हम भी ये भी। चलो 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 चाय वाय पी लेते हैं दोस्तों, थोड़ा लगे चाचा जी जल रहा है वो तेज, नीचे रखो नीचे, आप जल गए रे। इसमें बारिश का पानी इसमें गिर रहा चाय में। है ना अजीब हरकत है, ऊपर से पानी ठंडा ठंडा पड़ रहा है, इधर से गर्मा गर्म अंदर जा रहा है। बारिश थोड़ा बहुत कम हो गया दोस्तों, अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से। कहाँ गए थे? पुलिसिन लाने गए थे, एक मिला अभी इसे नीचे से कर लूँगा ना तो ठीक रहेगा, अब पूरा ढक दिखेगा। ओके देख रहे दोस्त बारिश में क्या क्या करना पड़ रहा है। तो बंद कर दो भाई। चलो अब हम लोग का बैग सुरक्षित हो गया ना, अब थोड़ा टेंशन खत्म हुआ। ये देखो हाल कैसा हो गया, सिंदूर ऊपर से यहाँ तक आ गया जी आपका सिंदूर, शीशे में देख रही गड़बड़ हो गया सब, पूरा हुलिया खराब हो गया आपका। अब चलो चलते हैं घर सीधा ना, ठीक है। बाप रे बाप, बारिश का मजा हम लोग इस तरह ले रहे हैं। तो हम लोग दोस्तों अपना घर से अभी दूर है 40 किलोमीटर दूर, यह है 50। अभी हम लोग यहाँ पर बर्गर खाने जा रहे हैं, बर्गर गांव में तो हम लोग उसे वड़ा पाव बोलते हैं, कि वड़ा पाव बर्गर एक होता है कि अलग होता है। रेडी होने वाला है थोड़ी देर में हम लोग का बर्गर आ जाएगा। बहुत ठंडी लग रही है ना आपको, इनका हाथ देखो रे बाप रे, जब ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है ना शरीर में तभी ऐसा हाथ होता है। ये देखो मतलब इतना ठंडी कैसे लग रहा है आपको भाई, पर सामने मैं था, मेरा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा उतना, नॉर्मल है। आप अपने अपने हाथ दिखाओ ऐसे आगे से, ये देखो सिकुड़ गया इनका हाथ ये वाला सा, मेरा तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ज़्यादा ठंडा लगता आपको, लो आ गया लीजिए बर्गर, थोड़ा पाव ही तो है यार, बर्गर बोल रहे हैं इसे। अच्छा भैया नहीं नहीं सही है सही है, खाइए अच्छा लगेगा। सर पहली बार खाए हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा यार मतलब हाँ, अभी गर्मा गर्म हम लोग कुछ खाएं तो कुछ राहत मिल रही ना, पूरा बदन भीगा हुआ है। दोस्तों हम लोग घर को निकल दिए हैं और सामने एक लड़का ना कबूतर उड़ा रहा है। अब उड़ा रहा है हाँ, देखो ना उसका शायद फालतू होगा कबूतर वो। पहचानते हैं मेरा नाम लिया वो मुकेश भैया, चलते हैं पास चलते हैं उनके। ओ भाई साहब क्या नजारा है, देखो पास में आ जा रहे भाई ये, अरे भाई साहब एकदम ऊपर है। अरे ये क्या, ये तो मेरे पास आ रहा था।
अब हम मेन रोड से उतर चुके हैं और घर की ओर चल रहे हैं। वो देखिए दोस्तों, टावर दिखने लगा मेरे ससुराल का। वो देखिए, अभी आपको मेरे ससुराल पहुंचकर कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। आप अपने ससुराल में ले आए हमको, बड़ी कृपा हो गई आपकी। आ गए दोस्तों, घर आ गए। आ गए अम्मा, घर आ गए अम्मा। क्या हाल अम्मा? एकदम बढ़िया। ए लल्ला, ये क्या कर रही? थूथुन का बना रही रे। कीर्ति इधर आओ, थोड़ा इधर आओ। लल्ला, ये आपको बिल्ली कौन बनाया था? कितनी प्यारी, कितनी क्यूट सी बिल्ली दिख रही है कीर्ति। ये देखिए दोस्तों, सलोनी को हाथ में दिखा के लिए आटा लिया और यहाँ पर ये आटा गूंथ रही थी। क्या बन रहा आज? सोयाबीन की सब्जी बन रही दोस्तों, बहुत पसंद आया सोयाबीन की सब्जी। बहुत दिन से रूम नहीं देखे हैं, आज चौथा दिन है। ये रहा दोस्तों हम लोग का प्यारा सा रूम, इतना दिन से मिस कर रहे थे इसको, ये गुड्डा बाबू अपना। अब दोस्तों आ गए घर और चलते थोड़ा नहा वहा के फ्रेश हो जाते हैं और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज दोस्तों इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अम्मा, आपकी बहू आ गई, कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लगता है, चार दिन ना रहे तो सोने। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।